वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश पूजा में बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे बप्पा का आगमन किया। बप्पा बहुत लोगों के घर, बहुत हस्तियों के घर पधारे, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीता अंबानी के घर। बप्पा तो पधारे, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बहू का ख्याल रखते हुए नजर आई, तो ये अफवाह उड़ रही है कि आखिरकार उनकी बहू जो है राधिका मर्चेंट, वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि नीता अंबानी के घर सलमान खान से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँची, और वहाँ पर नीता अंबानी जिस तरह से अपनी बहू राधिका मर्चेंट को कभी हाथ पकड़ कर ले जाती नजर आई, तो कभी उन्हें संभालती नजर आई। इसके साथ ही राधिका कभी अपने पेट पर हाथ रखती हुई नजर आई। जिस तरह से राधिका बहुत ही सुंदर कलर की, लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और जिस तरह वो हमेशा बहुत खूबसूरत दिखती हैं, गणेश चतुर्थी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखी वो। और सलमान खान भी नीता अंबानी के फंक्शन में पहुँचे, यानी कि गणेश चतुर्थी में पहुँचे, और राधिका मर्चेंट के इस तरह से नीता अंबानी ने रख रखाव किया कि अब खबरें उड़ने लगी है कि आखिरकार 2 महीने बाद ही राधिका जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। कुछ यूजर ने उन्हें ट्रोल किया है और कहा है कि सिर्फ 2 महीने बाद ही ये प्रेग्नेंट हो गई, और कुछ ने कहा है कि एक और फंक्शन की तैयारी शुरू कर दो। तो इस तरह से ये लोग ट्रोल हो रहे हैं। 22 जुलाई को राधिका और अनंत की शादी हुई, और इस शादी में नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मेहमान भी आए हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी शादी हुई। बहुत ही अच्छे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हुई, सब लोग बहुत खुश थे, बॉलीवुड हस्तियां भी पहुंची हुई थी। तो इस तरह से अब एक और रीति रिवाज शुरू होने वाला है, यानी कि एक और रस्म शुरू होने वाला है, अगर ये बात सच होती है तो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग अनंत और राधिका को लेकर, एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए, और हाँ, जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।